इज अप, सो बज रहे हैं 3:30 और हमारी फ्लाइट है 6 बजे की टू गुवाहाटी. आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू अटेंड फिल्म फेयर विथ माई फ्रेंड्स. एक्साइटेड के साथ साथ दुखी भी हूँ बिकॉज जो ड्रेस पहनने वाली थी मैं फिल्म फेयर के लिए, वो ड्रेस मुझे फिट नहीं हो रही है. सो अब मुझे मेरा बर्थडे का ड्रेस, जो गाउन है, वो रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास और कुछ नहीं है पहनने को, तब तक बहुत लेट हो चुका था, सारी दुकानें बंद हो गई थी. आई एम जस्ट सैड दैट आई डिडंट प्लान द डे प्रॉपरली एंड बहुत मेस हो गया, बहुत हेडेक हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द मेस. सो हम लोग मोहम्मद अली का वेट कर रहे हैं, हम लोग मतलब मैं अकेली. ये लोग गॉसिप कर रहे हैं रात के 4 बजे, सुबह के 4 आई मीन. मुझे नींद आ रही है. ये अनामा मेरे बैग जुड़वा और ये तुड़वा. आया आया, 500 रुपये देना पड़ेगा. जा जा जाओ. You're going? Yes. I miss you too. Nice haircut, by the way. You're looking really nice. Thank you. Bye bye, Anna. चलो बाय. मैं अपने प्राइवेट प्लेन से आ रहा हूँ. बाय, टेक केयर गाइस, बाय. अरे कितनी बार मिलेंगे. गाइस देखो ये जादू दिख ही नहीं रहा है. दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अमेज. वो वाला है जो 15 सेकंड में जो चाहिए था, तो मुझे यही चाहिए. ये देख, बेस्ट चीज देख. नेवर, दैट मींस नेवर. वेलकम टू आसाम. तो क्या रेड कार्पेट, अब क्या एक्साइटेड हूँ. ओ तेरा नहीं हुआ अब तक. ओ यार, आई फॉरगॉट. तुझे कैसा लग रहा है? मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया. रेड कार्पेट पे चलना तेरा सपना था. मेरे घर पे एक रेड कार्पेट पड़ा था, चल लिया थी उसमें. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया. और स्टार वाली फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो हम है कि नहीं, बट सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हाँ, मैं खुद की नज़र में एक स्टार हूँ. एंड आई गेस गाइस, यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट स्टॉप ड्रीमिंग, डू नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड, एंड डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ. प्लीज़ 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 अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि यू नेवर नो. आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ तक पहुँच. Never thought about it. सपने देखे थे और इसीलिए शायद तो हो पाया है. So गुवाहाटी में हमारा सेकेंड डे है और लास्ट डे है. वो देख संदी कैसा लग रहा है. वो देख फुल मून. लेट्स गो, लेट्स अस सिट इन द कार्स. मर्सिडीज. नाइस बैग. यार वेयर डिड यू गेट फ्रॉम? व्हाट बैग? आज बादा फोकस नहीं हो रहा. ओके हो गया, फोकस कैंसिल कर दिया मैंने. काली लग रही हो तुम फिलहाल बहुत. Opposite light. You don't have any sense of lighting. What kind of GOP are you? Give it back to me. लड़ी है, झूठ बोल रही है. इसको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं आ नहीं रही. बहुत लंबी है ये लड़की, टॉल गर्ल. जीरा जीरा.
इसको इतना इजी ऐसे बैठना है, इसके लिए जगह मांग रही है, वो ऐसे बैठ रही है ऐसे इसके लिए। नायिका क्यों आई? मैं बोल भी रही थी नहीं आते, कुछ इसको फ्री में सब कुछ मिला है, इसमें सब कुछ है, इसके लिए हमें करना है। ओके गाइस, तो हम लोग की फ्लाइट मिस होने के बहुत करीब है एंड हम लोग गाड़ी भगा के जा रहे हैं। अमन भैया भगाओ क्या बोल रहे हो? हनुमान गियर, हनुमान गियर लगा दो, अभी आपके अंदर है। ओके भैया भगाओ, आपके अंदर ही है हनुमान गियर। फ्लाइट मिस हो गई ना भैया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भैया, क्योंकि उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं है। यहाँ से हमें दिल्ली जाना है गाइस, दिल्ली से फिर श्रीनगर की फ्लाइट है हमारी एंड गुवाहाटी में कोई और फ्लाइट्स नहीं है। मेरा दिल इतना धक-धक कर रहा है, कुछ खाना नहीं उतर रहा है अलग से। गुवाहाटी अच्छा है, प्रिटी है, हमने घूमने का मौका भी नहीं मिला। देख ना हमारा टाइम कम हो रहा है, वो भी मैं टाइम कम हो गया, टाइम कम हो गया। हे गाइस, सो फाइनली हम आ गए हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट। गाइस इतना हेक्टिक, इतना फनी राइड आई गेस बहुत टाइम बाद हुआ है हम लोग ने। लिटरली क्या बोलती है, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। ये सब हुआ है हमारे बालों और हमारे खाने की वजह से। तो ये है नगमा मिराजकर, फोकस कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। ये क्या खा रही है? माश मशरूम मशरूम और ये है मशरूम्स। मशरूम्स माश मिलो से गाइस, माश मिलो मशरूम हो गया। हम लोग इसलिए पैनिक कर रहे थे क्योंकि अगर गुवाहाटी से हमारी फ्लाइट मिस होती तो दिल्ली से जो श्रीनगर की है वो भी मिस हो जाती एंड इसके बाद की कोई भी फ्लाइट नहीं है, डायरेक्टली कल सुबह की है एंड दिल्ली से श्रीनगर की कोई फ्लाइट नहीं है, फिर बहुत लेट है, तो मतलब खर्चा डब्बा है। बज गए बड़ा जाए। हमें सब डेस्टिनेशन देख रहे थे, कोलकाता दिल्ली बैंगलोर भी देखना था, बॉम्बे भी सोचा कि बॉम्बे जाके हद पर इसने वॉकिंग डिस्टेंस भी देखा है। मैं सोच क्या है पहुंचेगी, मैंने पहले कैब से देखा तो दिखा रहा था 34 आवर्स, फिर ट्रेन से देखा तो दिखा रहा था 24 आवर्स, चल के देखा तो एक महीना ब्रेक, खाने का सोने का पॉटी करने का कोई ब्रेक नहीं, बस चलते चलो ये लगेज ले चलो चले श्रीनगर को। गाइस हाय बोलो, मैंने पहले रिकॉर्डिंग नहीं करवाई थी, पूरी लड़की रिकॉर्ड करती है, अरे शूट करती है रिकॉर्ड करना भूल जाती है। गुड नाइट। सो हम लोग दिल्ली से अभी हमारी फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं टू श्रीनगर एंड वहाँ पे हमें पता है कि कुछ नेटवर्क नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, हम उस सब के लिए तैयार हैं। सैडली हमें इंटरनेट के बिना रहना पड़ेगा, जो हमारी लाइफ लाइन होती है, ब्लड लाइन बोल सकते हैं इंटरनेट, उसके बिना। और यार गाइस सुबह के 5-6 बज रहे हैं और शादी है, व्हाट अ गट्स, इतनी ठंडी है। कहाँ है कैब हमारी, चल के आना पड़ेगा। चलो सुबह सुबह हम लोग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लोग सुबह शादी कर रहे हैं, हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। हम पूरी रात नहीं सोए गाइस, ये लोग दोनों सोए थे, हम दोनों बिल्कुल सोए हैं, बिल्कुल आराम से सो के आए हैं दोनों और हमको बहुत नींद आ रही है। हाँ, ये लोग ने फुल फ्रेश होके आए गाइस, अभी ये लोग स्कीइंग करेंगे कश्मीर पहुँच गए। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए कहां? गुलमर्ग। नहीं, श्रीनगर में आओ। गलत जवाब, श्रीनगर में आओ, श्रीनगर में। गुलमर्ग पहुंचेंगे अभी हम। यस, और हमें कौन मिला है पता है? एक इंसान। कौन है? दिखाओ अपनी जगह। तुम नहीं हो। किसी कुछ हो गया यार, हेलो।
सर ऐसे ऐसे कर रहे सो अभी कुछ ठंड नहीं है, देखो हम नॉर्मल हुडी पहने हैं। कश्मीर इज ब्यूटीफुल, अब तक देखा नहीं फिर भी बोल रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है, मुझे एक्साइटेड हूँ, मुझे मेरे बालों को देख के लग तो नहीं रहा। अब ठीक है, अब लग रहा है कुछ दिख रहा है मुझे। ये टोपी की वजह से दब गए थे मेरे पास, बट आई लाइक दिस टोपी। खरगोश निकला, मुनू पे फोकस करना है। गाइस देखो मुनू को सुबह सुबह क्या खाने का मन हो रहा है, समोसा। गाइस देखो पहले टाइम बर्फ मिलती है तो ऐसा ही रिएक्शन होता है। नहीं मतलब मैं ऐसे जोक मार रही हूँ यार। मैं डिस्ट्रक्टिव किड हूँ एक नंबर की। वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप। गाइस यहाँ पर रुक कर गाड़ी के टायर पर चेन लगाना होता है, अगर नहीं लगाओगे तो गुलमर्ग में आपकी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आई थिंक अच्छा स्टेप है, बिकॉज सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, सो आई एग्री टू दिस कि करना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। दिख रहा है। सो हम पहुंच गए हैं हमारे होटल। सर ना 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 रा 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 डी 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 कर देगा। लेकिन इट वाज सो मच फन गाइस। व्हाट अ फन राइड यार, व्हाट अ फन राइड। मजा आया राइड में। लास्ट वाला ऐसे राइड में तुझे नींद आई है, मतलब वाओ। अरे मैं सोने की कोशिश कर रहा था, सो रहा था थोड़ा। एंड में स्टार्टिंग में जब बोर है, पहले स्टार्टिंग में मजे किया। क्या काले पीले दिख रहे हैं अमन, मैं बहुत एक्स्ट्रा कर रही हूं आई थिंक। इतने काले नहीं मुझे कैमरा दिखाने आई थी और अच्छा हो रहा है ठीक है। नहीं 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 बहुत शार्प है, 50 mm लेंसेस जो प्रॉपर मेरे को भी नहीं आ रहा है। G20 मीटिंग गोइंग ऑन, फोटोज लेना ना तो मुझे लगता है बेस्ट वेज द वर्ल्ड। पता नहीं मजा आ जाता है संकेत मेहता। नहीं बे ये सब में अच्छा है, ये विदा इसमें लाइक इसमें नगमा नहीं, इसमें ना कलर मस्त आता है। शादी वाला कैमरा फोटो है आशी खन्ना तहसील खान दिख क्या रहा है, फोन लग क्या रहेगा कहीं ना कहीं नगमा जो इसका डेप्थ है ना, हेलो G7X मार्क गुड नाइट टाइम ड्रोन भी हो ड्रोन कर दिया ज़ूम। थैंक यू अवेस फॉर दिस कैमरा। गाइस हम लोग किसी ये अनम का पति है गाइस, अनम का पति। चार बजे तक होता है, बहुत सारे कॉल। कब मिल रहे
तो गाइस अभी तक नगमा ने स्ट्रीट ट्राई नहीं किया पर कल करने वाले हैं. नगमा हाउ डू यू फील? आवाज बहुत ज्यादा है नगमा, जोर से बोलना पड़ेगा आपको. आई हैव ट्राइड स्कीइंग लाइक 2-3 टाइम्स एंड आई होप आई विल बी एबल टू डू इट लाइक वेरी स्मूथली एंड विदाउट फॉलिंग बिकॉज़ आई डोंट वांट टू फॉल एंड मेक फन ऑफ माय ओन सेल्फ. दैट्स इट. Good morning. It's day 2 in Kashmir. हम लोग बहुत tired हैं, हमारी नींद पूरी हो रही. It's a day 2 in Kashmir. मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, but ये we are going for the fittings. हम लोग skiing कर रहे हैं, तो हमें fittings करनी है हमारे outfits की, shoes की, जो skiing shoes होते हैं. तो हम वो करके आएंगे, थोड़े videos बनाएंगे and आप सबको देखने मिलेगा क्या क्या हो रहा है. वीडियो में ऐसा लग रहा है दो बॉडी गार्ड लेके आई है तंजील में पहन रही हूँ. क्यों स्कीइंग का पैंट्स है क्या? डैम अच्छा लग रहा है बट वो एकदम बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तो तू भी ऊपर खड़ी रहते उतना ही डिफरेंस है. गाइस अनम के अनम सो के भी स्नोबोर्डिंग कर सकती है. सो गाइस दिस इज माय स्कीइंग आउटफिट. शूज थोड़े भारी. प्लस 2. सो वी आर रियली एक्साइटेड बिकॉज़ हम लोग गिरने पड़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है. अनम के दांत वाले टूटने वाले हैं. गेस करो कौन है ये. पूरा आधा ही नहीं, आधा ही दिखाएंगे. Guess who? Guess who? किसी की मुंडी नहीं दिख रही. जानबूझ के नहीं दिखा रही. Guess who? निकलो. लेकिन आओ. Guess who? Oh shit. So I don't know मेरा vlog कब आ रहा है, but I'm definitely sure के vlog. मैं इनके बहुत vlogs में आया हूँ जो भी कभी आई नहीं. तो guys हम यहाँ पर आ गए shoot करने. हम दोनों अकेले आए, बाकी सब वहाँ पर ही है. वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. सो गाइस हम लोग लोकेशन ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए. बाकियों को पता नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, वो हमें ढूंढ रहे होंगे. बट ये कितनी प्यारी लोकेशन है देखो. मैं दिखा रही हूँ, ठीक है. वाओ अब हम सीखने जा रहे हैं पहाड़ के कोने में. बहुत एंजॉय किया हमरा. सॉरी मुझे बहुत बोलना बाद में. ये देखो यहाँ पे चालू हो गया है दादर की लोकल. एक बात कहनी आप सबसे. उसके मुंह पे जरा अच्छा मुझे एक बात दिख ही नहीं रहा. वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है. लेके बता रहा हूँ मुझे एक बात के नहीं आप सबसे. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो गोले वाले होंगे उनका बहुत घाटा होता रहेगा. यहाँ तो पूरी तरह बर्फ ही बर्फ. तो अब हम आ गए हैं गाइस स्की करने. स्की का पूरा गेयर हमने पहन लिया है प्रॉपरली. अब हम जाने वाले हैं यहाँ पे. इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? हाँ हाँ वो टर्न करके, ठीक है ना. गुड. शाबाश. फुल टर्न, लॉन्ग टर्न. गुड. पूरा कंट्रोल से. फुल कंट्रोल. फुल कंट्रोल. वो बेस्ट आउट यूर. ही इज गुड. लाइक
बहुत अच्छा है। फुल कंट्रोल, फुल डरो मत, कुछ नहीं होगा, फुल कंट्रोल, गुड, पूरा आगे, हाँ डरो मैं आगे हूँ, चलो कोई बात नहीं, गुड, डॉन मैंने स्की सीखा, मतलब अच्छा डिसेंट सीखा, प्रोफेशनली तो ऑब्वियसली नहीं सीख पाई, बट एक घंटे डेढ़ घंटे में मैंने काफ़ी सीखा थैंक्स टू महराज जो प्रोफेशनल स्कीयर है और बहुत 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 ही अच्छे से ट्रेन किया मुझे इन्होंने। थैंक यू। और आप कश्मीर के बारे में क्या बोलना चाहते हो और टूरिस्ट के बारे में? कश्मीर तो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं चाहूँगी कि यार सब आए, हमारे कंट्री में इतनी अच्छी जगह है और हम क्यों बाहर जाते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सबका, तो बहुत मज़ा आया है मतलब। ओके बाय, थैंक यू। सो गाइस, स्कीइंग एक्सपीरियंस हो गया हमारा, मज़ा आया है मेरा, हमारा एक्चुअली मेरा भी नहीं, हमारा ट्रेनर बहुत बहुत अच्छे थे, हाँ, और वो लोग बहुत इम्प्रेस थे, बोल रहे थे बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, और बाकी भी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो कल हम लोग शायद फेज वन पे जाकर करने वाले हैं, एंड स्नोबोर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है वो गाइस, उसमें तो गिरते पड़ते रहते हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं, हमारे जूते पहन के अब अच्छा लग रहा है। हाँ, हमने जो 20-20 किलो के जूते पहने थे वो हो गए। सो गाइस, अभी हमारा स्कीइंग खत्म हो गया, हमने स्की शूज़ निकाल दिया है और इतना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा बट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब हम जा रहे हैं थोड़ा मैगी वैगी खाने, बहुत भूख लग रही है, एंड उसके बाद हम क्या करने वाले पता है, ट्यूब में जो पता है फेंक देते हैं खाई से नहीं वो करने वाले, उसमें बहुत मज़ा आती है, मतलब अलग लेवल मज़ा आती है। और ये देखो गाइस, कश्मीर, वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस एंड अ मस्ट विजिट, इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड यू गाइस शुड कम। चलो मैगी खाते हैं। तो मैगी का स्टॉल बंद हो चुका था बट लकीली उन्होंने बोला कि वो हमें बना के देंगे, और पहाड़ों की मैगी खाने का अलग ही मज़ा है, मतलब इतनी ठंडी जगहों पर मैगी खाना, मेरे नाक में से पानी आ रहा है और हाँ, और मेरे होंठ सूख चुके हैं, मुँह भी, तो पानी इज अ मस्ट। पानी का बोतल वगैरह, कुछ चॉकलेट, थैंक यू। इन्होंने दुकान बंद कर दी थी बट इन्होंने हमारे लिए दुकान खोली है और बनाया है यम्मी यम्मी मैगी विद एन अमेजिंग व्यू। So guys, हम लोग जा रहे हैं अभी क्यूब राइड पे, और डर लग रहा है तो ओके शिट, मैं पहले क्यों डर से पहले वो लोगो बना रहे हैं बट डेंजर का साइन था वो, उनमें से भी लगा उन्नति को लगा, और किसको लगा? उन्नति को ही लगा, जैसे वो पीछे बैठी थी, जैसे अन्ना पीछे बैठी थी, दोनों को ही लगा, एंड वो मुनु लटक रही थी स्लोप पर तो बच गई थी मुनु। सो गाइस, जाने लगे वापस, अजान हो रही है।